आज है 12th of September और जाना है मेरे को ऑफिस। अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह 3 बजे की रिपोर्टिंग है। सो मैं सोचा कि चलो आज एक व्लॉग बनाते हैं, अ डे इन माय लाइफ। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के 1:30 बज रहे हैं, जाता हूँ मैं, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ सीधा गाड़ी में। निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए एंड इतनी रात है कि कोई भी नहीं है सड़क पे, पूरी सड़क एकदम से खाली है। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये सड़क को खाली रहने के पीछे का रीज़न कि येस्टरडे दैट इज़ 11th of September वॉज स्टेट लॉकडाउन इन वेस्ट बंगाल एंड आज 12th को भी लॉकडाउन होने वाला था, बट देन दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द नीट एग्ज़ाम। सो बस अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी आने वाले मेरे को पिक करने के लिए। सो उसके बाद हम जाते हैं ऑफिस और दिखाता हूँ आपको रास्ते में अगर कुछ दिखाने लायक मिले तो। ऑफिस पहुंच चुका हूं मैं। एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खाली है एंड खाली रहने का रीज़न सिर्फ यही है बिकॉज आज होने वाला था लॉकडाउन, बट दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। सो ठीक है, लॉकडाउन इज़ बीन कॉल्ड ऑफ, बट स्टाफ को फिर भी बुलाया जा रहा है बिकॉज कुछ फंक्शंस ऐसे हैं एयरपोर्ट पे जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं एंड एक्चुअली एयरपोर्ट ही खुद एसेंशियल सर्विस में आता है, तो इसीलिए एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टाफ को यहाँ पे रेगुलरली रहना पड़ता है। एंड अभी मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आफ्टर मैं ऑफिस जाके करूँगा क्या, पर लेट्स सी, अगर कुछ एक्साइटिंग होता है तो दिखाता हूँ, वरना आज का व्लॉग ऐसे ही बोरिंग होने वाला है। के 3 बजे का कोलकाता एयरपोर्ट के एयर साइड का, अगर बोलूँ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एयर साइड का सुबह 3 बजे का ऐसा है कुछ सीन। ये है ऊपर डिपार्चर हॉल्स जहाँ से होते हैं डिपार्चर्स, दीज आर द एरो ब्रिजेस जिससे आप नॉर्मली बोर्डिंग करते हैं एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस वे द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड इज कॉल्ड एज अ बे। तो आप आते हैं एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग में, आप यहाँ ऊपर पे आते हैं डिपार्चर हॉल में एंड फिर यहाँ से आप एरो ब्रिज के थ्रू आप करते हैं अपने पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग। सो सुबह 3 बजे 12th of September को ये है सीन, कहीं कोई हलचल नहीं, सिर्फ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए आ रखे हैं, जो शायद से मेंटेनेंस वगैरह के लिए आ रखे हैं, बस वही। एंड ये पहली बार है जब मैं लॉकडाउन या फिर कोई ऐसे टाइम पे अपना ये पर्टिकुलर शिफ्ट कर रहा हूँ। ऊपर है चांद एंड बस यही चांद का सहारा है, अभी 2-3 घंटे में यहाँ पे सुबह भी हो जाएगी तो सनराइज़ भी दिखाऊंगा। और ये एयर इंडिया का A319 खड़ा है, बहुत ही मज़े से रेस्ट ले रहा है एज इट इज़ बिकॉज एयर इंडिया, मतलब दिस इज़ A321 ऑफ एयर इंडिया, ये भी रेस्ट ले रहा है। आज सारे ही सारे जितने भी यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये एयरक्राफ्ट को हम एविएशन इंडस्ट्री में बर्ड्स बोलते हैं, तो ये सारे के सारे बर्ड्स आज रेस्ट कर रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में पहले भी बता रखा था अबाउट बे नंबर्स, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 56, तो दिस 56 स्टैंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर बे। सो जब भी कोई एयरपोर्ट का स्टाफ आता है काम करने के लिए तो उनको बताया जाता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो इस नंबर बे पे आएगा, तो सपोज माई एयरक्राफ्ट विल बी पार्क्ड ऑन सपोज बे नंबर 56,
इट विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम बे नंबर 56, तो मैं ये देख के बे नंबर 56 यहाँ पे आ जाऊँगा और इस पर्टिकुलर एरो ब्रिज से जो है उसका बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम यहाँ पे काम करते हैं। और अगर मैं सेम डिपार्चर हॉल्स की बात करूँ तो वहाँ पे इफ़ यू कैन सी लिखा हुआ है गेट नंबर 20। सो ये जो है 20 जो लिखा हुआ है ये रहा, यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है दैट इज़ फॉर गेट नंबर। तो आप जब भी कभी एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो आपने देखा होगा आपके आपके टिकट्स पे हमेशा लिखा रहता है गेट नंबर। सो दैट इज़ द गेट नंबर एंड वहाँ से वो गेट नंबर 20 है, तो वो गेट नंबर 20 का एरोब्रिज होने वाला है ये, एंड यहाँ से आप अपने एयरक्राफ्ट पे बोर्डिंग करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर एंड तक देखते रहो। एक बहुत ही प्यारी सी सुबह है, आप देख सकते हो कि सूरज दादू आ गए हैं ऊपर। और बहुत लोग आप में से पूछ रहे थे कि मेरा ऑफिस कैसा दिखता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत ही अमेजिंग से एयरक्राफ्ट हैं जिनके ऊपर हमें डेली ऑपरेट करना पड़ता है, तो ऐसा ही होता है। साथ ही साथ ही स्पाइसजेट का एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ा है जो कि ग्राउंडेड है। दिस इज द बोइंग 737 जो कि अपने यू नो कुछ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेफ्टी इश्यूज की वजह से ग्राउंडेड हो चुका है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये अभी पर्टिकुलरली लैंड कर रहा है, ये लैंड हो चुका है एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा दूर में है ये एयरक्राफ्ट। सो इसी वजह से ये इमेज क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है, बिकॉज मैंने अपने कैमरा को पूरा एकदम कम्प्लीटली जूम कर दिया है। पर ये एयरक्राफ्ट लैंड हो चुका है बहुत ही सक्सेसफुली, आई गेस आपको दिख रहा होगा। द टैक्सी लाइट्स आर ऑन एंड अभी अपने रिस्पेक्टिव बे पे चला जाएगा, जिस बे के बारे में मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो वहाँ पे जाके ये पार्क हो जाएगा एंड उसके बाद जितने भी ग्राउंड स्टाफ हैं जो भी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए अलॉट किए गए हैं वो आके इस पे ऑपरेट करेंगे ना, अपनी सैलरी को जस्टिफाई करेंगे जो कंपनी उनको पे कर रही है। एंड इसी के साथ दिखाता हूँ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज। तो मैं कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 इन द मॉर्निंग एंड 3 बजे सुबह आके ये एक ऐसा व्यू है जो कि हम में से कोई भी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट जो कर रहा है ना वो मिस नहीं करता है। एंड ट्रस्ट मी, इस पूरे शिफ्ट की ना जो सबसे अमेजिंग सी पार्ट होती है वो यही पार्ट है। सो चीयर्स टू दिस पर्टिकुलर व्यू। स्पाइसजेट का जो बॉम्बार्डियर है इसको टो करके लेके जा रहा है ये स्पाइसजेट का टोइंग व्हीकल, एंड इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को या फिर बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनको टो करने का जरूरत पड़ता है, इनको टो करने के पीछे का रीजन सिर्फ यही रहता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। कभी कभी इंजिन्स के पावर्स को चेक करने के लिए इनको आइसोलेशन बे पे लेकर जाया जाता है एंड वहाँ पे इंजिन्स को फुल फोर्स में जो है वो रन किया जाता है जस्ट टू चेक वेदर द इंजिन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, या फिर बहुत बार ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से एक बे से दूसरे बे पे शिफ्ट करने के लिए भी इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स को एक बे से दूसरे बे तक टो करके लेके जाया जाता है, बिकॉज टोइंग इज़ अ वेरी चीपर ऑप्शन एज कम्पेयर्ड कि अगर आप एयरक्राफ्ट के इंजन्स ऑन करो एंड फिर वापस से उनको फुल फोर्स में ला के दूसरे बे तक लेके जाओ, तो उतना पैसा एयरलाइंस अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। एंड एज इट इज़ उसमें कोई समझदारी भी नहीं है कि आप इतने पैसे अपने वेस्ट करो, इसीलिए ये टोइंग व्हीकल्स इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को अपने डेजिग्नेटेड बेस तक पहुँचा देती है। तो फाइनली आज का शिफ्ट हुआ खत्म, आज 3 से 1 का शिफ्ट हो गया है खत्म एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर। वेल मैं जा रहा हूँ अभिषेक भैया के साथ, सो द वोट ऑफ थैंक्स गोज टू अभिषेक भैया बिकॉज इनके वजह से ही हम रोज ऑफिस टू एंड फ्रो कर पा रहे हैं। सो अभिषेक भैया थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। ऐसे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहे। ओहो डायलॉग बाजी देख रहे हो, मतलब कैमरा चालू होते डायलॉग बाजी चालू। सो मैं जा रहा हूँ घर, जाके देखता हूँ कि इस व्लॉग को एंड कैसे करना है। अंदर का निकल आता है ना, अंदर का एक्टर, शुक्र अंदर का जानवर नहीं निकलता, थैंक गॉड। खैर अभी जाते हैं घर और जाके देखता हूँ कि इस व्लॉग को कैसे एंड करना है, बिकॉज दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम शूटिंग अ डे ऑफ माय लाइफ। तो मैंने कोशिश किया है बहुत ही ब्रीफ चीजों को दिखाने का, बिकॉज ऑफकोर्स यार उतना ज्यादा एक्साइटिंग लाइफ है ही नहीं मेरा। फाइनली इतने लंबे शिफ्ट के बाद मैं आ गया हूँ अपने घर पे एंड मेरा कल फिर से एक अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, तो इसीलिए अभी कुछ ज्यादा रह नहीं गया मेरे पास व्लॉग करने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स अगर मेरा अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है तो मेरे को अभी सोना पड़ेगा, उसके बाद मैं सो के उठूंगा अराउंड 8 और 9,
तो उसके बाद ज्यादा कुछ रहेगा नहीं दिखाने के लिए, सो इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग एंड प्लीज आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस। कोई भी सजेशंस है, कोई भी कहीं भी कुछ भी है, तो फील फ्री टू टेल मी इन मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को बता सकते हो। टिल देन दिस इज योर एविएशन गाइस साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय श्री राम।